Hi and welcome to the statistics and probability for data science and machine learning one of the exciting tutorial जिसमें हम जानेंगे कि वो तमाम distribution जो हम already cover up कर चुके हैं either वो discrete हो या continuous हो उनमें से जो important distribution है हम उसे Excel में किस तरह से implement कर सकते हैं लिहाजा वो तमाम videos जो कि theoretical और बड़ी important है वो मेरे YouTube channel पर मौजूद हैं। फहद हुसैन सी एस से सर्च करके मेरे YouTube channel के playlist पर जाओगे और different discipline की वीडियो सेपरेट playlist के साथ यहाँ मौजूद है, विद ईजी ने वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले content related material freely available है मेरे ब्लॉग फहद हुसैन सी एस blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ की जा सकती हैं। लिहाजा चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो इस सेशन पर सबसे पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को एक प्रॉब्लम से भी हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज उसका ग्राफ बनाकर भी देखेंगे जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिकॉलिंग, वैसे सेपरेट सेशन पर हमारी ये वीडियोस बनी हुई है तो वो देखना बेहद ज़रूरी है ताकि आप इस सेशन को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कॉल पर आर एट द कॉल सेंटर, नंबर ऑफ अरावल एट द रेस्टोरेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी थी और हम इसमें ये देखते थे कि किसी भी सक्सेसर का सर्टेन इंटरवल टाइम क्या हो सकता है, यानी लैम्डा वैल्यूज अगर हमारे पास मौजूद हो तो वो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस को गिवन हमें रिटर्न करता था। इसकी एग्जांपल में हमने देखी थी कि जो प्रोबेबिलिटी वाइज है एक्सीडेंट होने की या ना होने की, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स को यानी एन वैल्यूज़ को अगर मैं इंक्रीज करते जाऊँ तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो मज़ीद कम से कम होते जाएंगे, जिसको लॉ ऑफ रेयर इवेंट कहा जाता है। उस बेस पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काम करता था। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल था, जबकि लैम्डा यहाँ वैल्यू जो है वो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करती थी। तो इस बेस पर जो हमारे पास एग्जांपल है कि जो रिटन वाइज वर्ड्स प्रॉब्लम में है वो है कि ए हार्डवेयर स्टोर सेल 3 हैमर्स पर डे ऑन एवरेज, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दे विल सेल 5 हैमर्स ऑन द गिवन डे। तो एक्सेल हमें इसके लिए जो फार्मूला प्रोवाइड करता है इट इज़ वेरी सिंपल कि पॉइजन डॉट डिस लिखने के बाद आप 3 पैरामीटर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, यानी जिस चीज़ के बेस पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे हम 5 सेल पर हैमर्स वैल्यूज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं, 3 एवरेज वैल्यू थी और ट्रू या फॉल्स यहाँ वैल्यूज़ जो है वो क्यूमुलेटिव के लिए, या इसी तरह अगर आप यहाँ से फॉल्स को हटाएंगे तो पैरामीटर्स में आपको ट्रू मिलेगी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए होता है। तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर फॉल्स यूज़ करूँगा क्योंकि पॉइजन्स पे हम फॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। इस बेस पर जब मैं एंटर करता हूँ तो इस वक्त हमें जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो 10% ऑलमोस्ट मिल रही है। इसी तरह से अगर मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ग्राफ पर जब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पर बाय यूजिंग सेम एवरेज जो कि यहाँ पर 6 मैंने लिया हुआ है और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इस बेस पर हमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि 0.04, 0.08, 1.3, 1.6 एंड सो ऑन। तो इस बेस पर जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, आई एम गोइंग टू जूम आउट नाउ, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर देख रहे हैं अपने ग्राफ को कि ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे भी देख कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पे फ़र्क आएगा। जैसे मैंने 2 को 12 किया, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैंने कर दिया 2, यहाँ पर मैंने कर दिया 1, तो मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उस बिहाफ पर ग्राफ की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। और यही चीज़ें हमने वहाँ पर भी देखी थी जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देख रहे थे। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की है। करते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम क्या चीज़ें डिस्कस कर आएँ। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि इट्स कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ द टाइम अनटिल सम स्पेसिफिक इवेंट अकर, यानी उस अमाउंट ऑफ टाइम को हम कंसर्न करता है हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन जब तक एक स्पेसिफिक इवेंट अकर ना हो जाए। जैसे हमने अर्थक्वेक को देखा एक एग्जाम्पल में, द अमाउंट ऑफ द टाइम बिगनिंग नाउ अनटिल एन अर्थक्वेक अकर हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक वेरिएशन है इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके फॉर्मूले में अगर आप देखें तो लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स के फॉर्म पर ये चीज़ें मौजूद थी, और फिर हमने इसकी एग्जांपल भी करके देखी थी कि यूजुअली गेट 2 कॉल्स पर आवर्स एक कॉल सेंटर पे ये एक सिनेरियो है, तो हमें कैलकुलेट करना है दैट अ फोन कॉल विल कम विद इन द नेक्स्ट आवर, यानी नेक्स्ट आवर्स में आने के कितने चांसेज हैं या कितने कॉल्स आएंगी। तो एक्सपोनेंशियल वेज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसी तरह के प्रॉब्लम्स पर हम इसे यूज़ करते थे। तो इस बेस पर हमने कॉइंस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया है डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसी ग्राफ को दिखाने के लिए जो हमने
यानी इस सेशन पे कवर किया था। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने लिखी और जो एक्सेल हमें फार्मूला प्रोवाइड करता है एक्सपोनेंशियल डॉट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमने यहाँ यूज़ किया। सबसे पहले एक्स की वैल्यू है, फिर लैम्डा है जो एवरेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यूमुलेटिव के लिए हमने फॉस यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली हैं वो लैम्डा 1 के लिए निकाली हैं, फिर लैम्डा 1.5 के लिए, और इसी तरह लैम्डा 2 के, यानी डिफरेंट लैम्डास की वैल्यूज़ के बिहाफ पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये लैम्डा 1 के साथ है, ठीक है, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। तो ये 1 के साथ हमारा ग्राफ मौजूद है जो इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, और इसी तरह नीचे मैंने डिफरेंट ग्राफ्स मजीद दिखाए हुए जिसमें हम मैंने 1.5 के ग्राफ को दिखाया है और यहाँ पर मैंने 2 के ग्राफ को दिखाया है। तो एक्स यहाँ पर ये वैल्यू है, वाई एक्सिस जो है लैम्डा 2 है, और यही ग्राफ्स इसमें भी मौजूद है। एंड द लास्ट फॉर दिस सेशन, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास कोई स्पेसिफिक एक्सेल में फार्मूला नहीं होता, टेक्निकली हमने यहाँ पर जो है इस तरह के फार्मूले को यूज़ किया है, यानी यहाँ पर C99 जो है वो सक्सेस पी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C100 जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फर्स्ट सक्सेस पर है, ठीक है। तो हमने C99 को मल्टीप्लाई किया 1-C99 से, और उसकी पावर रखा है C100-1। तो C100 का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल है, और पी का मतलब या C99 का मतलब है जो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसर हैं पी की वैल्यू। तो इस बेस पर जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो 0.009 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ सक्सेसर, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रायल, इन दोनों के बेस पर मैं बाय यूजिंग दिस लॉजिकली इक्वेजन्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकता हूँ। और अगर हम कुछ ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करें फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, तो वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने बैकवर्ड थोड़ा सा जाते हुए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने देखा कि अगर मैं 8 टाइम टॉस करता हूँ क्वीन को तो 3 टाइम हेड आने के चांसेस क्या थे। नेगेटिव बाइनोमियल में हमने देखा था कि अगर मैं 3 टाइम हेड लाना चाहता हूँ अपने रिजल्ट में सक्सेसर की वैल्यू, तो कितने दफ़ा मुझे क्वीन को फ्लिप करना होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम ये देखते हैं कि अगर मैं 6 टाइम टॉस करता हूँ, 20 टाइम टॉस करता हूँ, तो और 6 टाइम जब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सक्सेसर आने की वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देखें तो ट्रू 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 ट्रू, यानी इस तरह से वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन 6 टाइम पर जब मैं पहुंचा तो उस वक्त हेड आने के कितने चांसेस हैं, जिसको मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये कुछ चेंजिंग थी ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे एज कम्पेयर टू द बाइनोमियल एंड नेगेटिव बाइनोमियल, जिसके बेस पर आप यहाँ पर फार्मूले पर भी देख रहे हैं कि 1-P K-1P, या P जो है वो सक्सेसर है और 1-P जो है वो Q की वैल्यू होगी यानी फेलियर। तो X की वैल्यू K यहाँ पर 6 लिखने का मतलब ये है कि 6 स्टेज पर सक्सेस है, ये हमें ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही थी। तो इसी बेस पर हमने यहाँ पर, क्योंकि एक्सेल पे इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, तो लॉजिकली इक्वेशंस बनाकर हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल्स पर हमने देखी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, और जो ग्राफ हम थ्योरेटिकल पार्ट पे विकिपीडिया के थ्रू देख रहे थे वो प्लॉट जो है वो किस तरह से विजुलाइज होता है, और उसकी मीनिंगफुल एग्जांपल्स क्या थी, वो सारी चीज़ें हमने जानी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सेल पर डिस्कस करते हैं। सी यू देयर।